नमस्ते और ओम शांति। आप सब श्रोताओं का आपको स्वागत है आपके ही चैनल सी द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन में, जहां पर जाकर के आप जो लोग इसको इंस्टाग्राम पे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे सुन रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन फेसबुक पे जो सुन रहे हैं उनको लिंक मिल सकता है नीचे यूट्यूब का, जहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर के आप डाइट, योगासन, चेयर पर बैठ करके एक्सरसाइज कैसे करनी है, डिप्रेशन के बारे में औरों के साथ शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ रिलेशनशिप्स के बारे में भी और पेरेंटिंग के बारे में भी सब कुछ दिया गया है। उसको जाके चेकआउट करें, और अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो उस पर जरूर कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के ईश्वरी वरदान में, 227वें दिन के वरदान में, परमपिता परमात्मा में आखिरी समय, यस, जो कि हर कोई जानता है, हर धर्म वाला मानता भी है, मुसलमान भाई बहन भी कहते हैं कि आखिरी समय कयामत का समय होगा, हिंदू धर्म में कहा जाता है महाकाल का समय। तो ये सारे समय को क्रिश्चियन भी कहते हैं एपोकलिप्स का समय, एंड ऑफ डेज। तो उस समय के लिए तैयारी कैसे करनी है, बहुत सारे लोग मानते होंगे कि ये तो बहुत दूर है अभी, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे छोटा सा। तो देखें बाबा कहते क्या है। बाबा कहते हैं विनाश के समय पेपर में पास होने वाले, विनाश के समय पेपर में पास होने वाले आकारी लाइट रूपधारी भव। आकारी लाइट, शरीर तो नहीं रहेगा उस समय, उस समय जो आत्माएं हल्की होंगी, शरीर से बिल्कुल डिटैच्ड होंगी, वो शरीर छोड़ करके आराम से निकल पाएंगी, जिन्होंने बहुत अपने आप को बिल्कुल सारी चीज़ों में, दुनियावी बातों में बहुत फैलाया हुआ है, संस्कार बनाए हुए हैं दुनियावी बातों के, दुनियावी लेन देन के, दुनियावी संबंधों के, उनको शरीर छोड़ना मुश्किल होगा। उनको अपनी चीज़ें याद आएंगी, उनको अपने रिश्तेदार याद आएंगे, उनको अपना घर बार याद आएगा, धन दौलत याद आएगी, छोटी छोटी चीज़ें याद आएंगी, लेकिन परमात्मा की याद में जो हैं, जो कि अपने आप को लाइट रखते हैं, उनको परमपिता परमात्मा याद आएगा। तो बाबा विना उसमें क्या कहते क्या है विस्तार में देखें। विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए, उस समय परिस्थितियां क्या होंगी हमारे सामने, उस समय हमारे अंदर की जो बीमारियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सारी चीजें जो हमने अभी तक इकट्ठी करी हुई है आसपास, वो हमसे छीनी जा रही होंगी। पांच तत्व जो हैं, कभी भूकंप आ रहे होंगे, कभी बहुत तेज बरसात, कभी तूफान आ रहा होगा, तो देखते देखते आमने सामने जो आपने बनाया है, घर बनाए, ये चीज़ें बनाई हैं, खरीद कर रखी हैं, वो सारी चीज़ें उजड़ रही होंगी। उस समय का जो लोभ, जो अहंकार, जो घृणा, जो मोह उन चीज़ों के साथ में, लोगों के साथ में होगा, उसका क्या होगा। तो अब अंदर ही अंदर बहुत सारे उथल पुथल होंगे, अंदर का तूफान अलग होगा, बाहर का तूफान अलग होगा। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम अंदर के तूफान को ठीक करके बाहर के तूफान को फेस करने के लिए, सामना करने के लिए हम तैयार हो जाएं। तो विनाश के समय पेपर में पास होने व सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए आकारी लाइट रूपधारी बनो। आत्मा लाइट, फिजिकल एक शरीर लाइट, और फिर एक होती ऑरा बॉडी हमारी, जिसको कहते हैं आकारी या फरिश्ता बॉडी। हम जब शरीर छोड़ते हैं तो आत्मा और वो फरिश्ता लाइट शरीर छोड़ के जाता है। उसके बाद में जब हम जाते हैं, जैसे हमने कल बात करी थी, ऊपर जाकर के हम सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म वतन में वो लाइट का शरीर वहीं छूट जाता है, और फिर सिर्फ आत्मा जाकर के परम धाम में, परमपिता परमात्मा के घर में जाकर रहती है। तो ये तरीका है शरीर छोड़ने का। फिर बाबा कहते हैं जब चलते फिरते लाइट हाउस हो जाएंगे तो आपका यह रूप, मतलब शरीर, दिखाई नहीं देगा। अगर आप आत्मा बिल्कुल इस दुनियावी बातों से अलग हो जाएंगे तो बाहर के लोग तो आपको नोटिस नहीं करेंगे, है कि नहीं है? ऐसा होता है, अनुभव भी किया है मैंने भी, तो भरी अनुभव किया है कि आप जब बिल्कुल लीन हो जाते हैं, बिल्कुल अपने परमात्मा की याद में, दुनियावी बातों में नहीं होते, तो आप आजू बाजू किसी के साथ में, आपके जान पहचान वाले व्यक्ति के साथ में आप चल रहे हैं, लेकिन वो आपको देख ही नहीं पाते हैं, उनकी बुद्धि में नहीं आता कि आप बाजू में हैं उनके, आपका शरीर जरूर है लेकिन आप दिखते नहीं हैं, मतलब संकल्पों से दिखते नहीं हैं, ये एक और लेवल है। फिर बाबा कहते हैं दिखाई नहीं देगा, जैसे पाठ बजाने समय चोला धारण करते हो, मुझ आत्मा ने, आप आत्मा ने ये चोला धारण किया धरती पर, जब हम आए तो हमारे पास तो शरीर नहीं था ना, शरीर लिए हमने, ये चोला धारण किया, कार्य समाप्त हुआ चोला उतारा। तो एक्टिंग करते समय भी हम ड्रेस पहनते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं ड्रेस पहनते हैं, एक्टिंग करी, वापस आए ऑफिस से, ड्रेस उतार दी, यहाँ पर भी वही है, ये शरीर धारण किया, शरीर उतारना है। अब उतारने की प्रक्रिया क्या है, या तो इसके साथ में बहुत लगाव रख लो, ये मेरा शरीर करो, उसके साथ में पूरे दिन सोचते रहो शरीर के बारे में, इसी को सजावट करो, इसी को खान पान खिलाओ अच्छा खासा, और फिर जब शरीर छोड़ने का टाइम आए तो मुश्किल पड़ जाए वो आदतों की वजह से। तो परमात्मा कहते हैं ये चोला टाइट नहीं होना चाहिए। फिर
चूल्हा उतारा, एक सेकंड में धारण करो और एक सेकंड में न्यारे हो जाओ। ये शरीर से मैं कर्म करवा रहा हूँ, आत्मा करवा रही हूँ, करवा रहा हूँ, एक ही बात है आत्मा, ये मेरा शरीर नहीं, ये मैं नहीं हूँ, कुछ समय के लिए मैंने लोन लिया हुआ है इस शरीर को। तो वो फीलिंग कैसी होगी, मैं इस शरीर का मालिक हूँ, कंट्रोल मैं शरीर को कर रहा हूँ, शरीर मुझको कंट्रोल नहीं कर रहा है। ये आंखें अच्छी अच्छी चीज़ें देखना, अच्छी अच्छी बातें सुनना अपने बारे में, केवल बुरी बातें आई तो बुरा मान लेना, मुख से किसी के बारे में चुगली करना, इधर की बातें करना तो अच्छा लगना, शरीर से खान पान की चीज़ें, हाथ पे अच्छा कपड़े वपड़े लगाना, कंगन वंगन लगाना, ये सारी चीज़ें। पर मैं तो कहता हूँ ये सब कुछ कौन किसको कंट्रोल कर रहा है? अगर इन्हीं चीज़ों से अगर आप पूरा दिन बिता दोगे इन्हीं चीज़ों में, तो इसका मतलब शरीर आपको कंट्रोल कर रहा है। जबकि होना क्या चाहिए, मैं आत्मा इस साधारण शरीर के द्वारा ऊंचे कर्म करूं। ये एक बात। ये परमात्मा कहते हैं एक सेकंड में धारण करो और एक सेकंड में न्यारे हो जाओ। जब ये अभ्यास होगा तो देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह लाइट के वस्त्रधारी हैं, लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। आपके वो ग्रॉस शरीर को, मतलब आपके फिजिकल शरीर के ऊपर उनका आकर्षण नहीं जाएगा, सुंदर है, नाक कैसे है, आँख कैसी है, लिप्स कैसे हैं, कान कैसे हैं, गोरा है, बाल कैसे, ये चीज़ें नहीं जाएंगी। जब आपका ध्यान नहीं जाएगा इन चीज़ों पे, तो औरों का भी ध्यान नहीं जाएगा, बिकॉज संकल्प एक वाइब्रेशन है ना, लोग कैच कर लेते हैं। अगर आप पूरा दिन सज धज के निकलोगे बाहर, आपको पूरा टाइम ये होगा कि मैं अच्छी दिख रही हूँ, अच्छा दिख रहा हूँ, तो बाहर के लोग भी आपको उसी तरीके से देखेंगे, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस वैसी जा रही हैं बाहर। सिर्फ आपने जो पहना है वो नहीं, आपकी वाइब्रेशंस वैसी जा रही हैं। अगर आपने परमात्मा की याद में हो, आप साधारण कपड़े पहने हुए हो, तो लोग आपको हल्का महसूस करेंगे आपके सामने आने से। आपको देख करके उनके अंदर ईर्ष्या या घृणा या किसी प्रकार की नेगेटिविटी, इम्प्योरिटी नहीं आएगी। हमें उधर पहुंचना है, हमें मुक्त करना है, बंधनों से मुक्त करना है अपने आप को, सारी चीज़ों से, कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं फिजिकली। ये सबसे अच्छी कला जो हम सीखते हैं, जो कि ब्रह्मा कुमारी में सिखाई जाती है, कि आस्ते आस्ते कैसे अपने आप को बिल्कुल ही परमात्मा के स्वरूप में ढाल दें, आत्मिक स्वरूप में ढाल दें, ताकि लोगों की दृष्टि हमारे प्रति ना गंदी हो, ना ही मलिच हो, और ना ही कुछ विकारी हो। तो आज के ये ईश्वरीय वरदान, इसके बारे में अगर आपको और सीखना है, तो आप ब्रह्मा कुमारी इस ईश्वरीय विद्यालय में जाएं और वहाँ पे इसके बारे में और ज्ञान लें, क्योंकि अब समय आ चुका है। ओम शांति।